जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए अघोर लक्ष्मी मंत्र के बारे में। अघोर महालक्ष्मी मंत्र जो प्रचंड क्रिया अवश्य इस महाविद्या का जहाँ भी मनुष्य इस्तेमाल करता है अवश्य तरक्की मिलती है। तो इसलिए आपके लिए एक ऐसा ही एक चमत्कारिक मंत्र लेके आए। एक दिन की क्रिया है, आपको अमावस्या की रात में एक दिन का प्रयोग करना है और आपकी जो भी प्रॉब्लम है धन से संबंधित वो अवश्य इस मंत्र के द्वारा दूर होती है। इस मंत्र की क्रिया अपने आप में बहुत प्रचंड होती है। जब इस विद्या का इस्तेमाल करते हो अपने जीवन में, किसी भी जो धन से संबंधित आपके जीवन में प्रॉब्लमें आती है, प्रॉब्लमें अवश्य ही दूर होती है इस मंत्र के द्वारा। आप इस मंत्र को अवश्य ही कर सकते हो और इस मंत्र की क्रिया, इसकी साधना उपासना सभी लोग कर सकते हैं। जो घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं वो कई बार अघोर नाम सुन के ही भयभीत हो जाते। तो ये मंत्र का नाम है अघोर लक्ष्मी मंत्र। ये जो क्रिया है माँ अघोर लक्ष्मी माँ मंत्र की, वो आप घर पे भी कर सकते हो और सभी लोग कर सकते हैं इस मंत्र की साधना उपासना। और संपूर्ण आपको अवश्य ही जानकारी बताएंगे। अगर मित्रों आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही रहस्यमय वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अघोर महालक्ष्मी मंत्र, इनका उपयोग ज़्यादातर अघोरी और बड़े बड़े जो साधक होते हैं अवश्य ही करते हैं अपने जीवन में। अपने जीवन में धन के सभी प्रकार के रास्ते खुलने के लिए, धन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो अवश्य इस मंत्र के द्वारा दूर होती है। इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य या स्त्री जो भी करता है उनको कभी धन की कमी नहीं रहती है। ये मंत्र का एक प्रभाव होता है कि आपको कभी धन की कमी नहीं रह सकती। अगर इस विद्या का आप उपयोग करते हो अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए तो अवश्य करना चाहिए। धन की आवश्यकता सभी को होती है, महत्वपूर्ण होता है जीवन में धन। अगर धन नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो इस मंत्र के दौरान हर प्रकार की सुख समृद्धि पाई जाती है। अगर आपका व्यापार नहीं चल पाता है, आपकी दुकान नहीं चल पा रही है, आपका जो बिजनेस है वो चल नहीं पाता है, आप कोई जॉब करते हो आपकी तरक्की नहीं हो पाती है, या आप किसी के द्वारा कोई तंत्र क्रियाओं के द्वारा आपकी जो धन लक्ष्मी है उसको बांध दिया गया हो, आपकी जो व्यापार को बांध दिया गया हो, आपके कोई बिजनेस है अगर उसको भी बांध दिया हो, तो इस मंत्र के उपयोग से सारे बंधन खुल जाते। कितनी भी बड़ी किसी ने क्रिया की हो या अघोर महालक्ष्मी मंत्र के विद्या का उपयोग करते हो तो सभी प्रकार के बंधन खुल जाते हैं। जो धन के रास्ते किसी के द्वारा बांध दे वो अवश्य ही खुलते इस लक्ष्मी मंत्र से, और सभी प्रकार के आपके लिए धन के रास्ते खुल जाते। इस मंत्र की जो भी उपासना साधना करता है उसे धन की कभी कमी नहीं रहती है। एक दिन का प्रयोग करना है आपको अमावस्या की रात्रि में, कि आपने जो क्रिया की थी उस माध्यम से आपके जो बिजनेस है अगर वो चल नहीं पाता तो वो चलने लगेगा। आपका जो भी बिजनेस व्यापार हो, आपकी जॉब, आप चाहते हो किस कामना से लेके करना चाहते हो तो कोई मनोकामना बोलते हुए भी आप कर सकते हो। जो आप उपयोग करते हो और वो पूरी विधान से साथ करते हो तो उसका फल अवश्य ही मिलता है। इस महामंत्र के दौरान महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। इन क्रिया होती है ये उग्र क्रिया कहलाती है, इसलिए इनको अघोर महालक्ष्मी मंत्र कहा जाता है। भी आपकी धन लक्ष्मी को बांधा जाता है, आपके व्यापार को बांधा जाता है, आपकी तरक्की होने से लोगों को कुछ प्रॉब्लमें होती है। ऐसे कई समाज में लोग होते हैं तो ऐसे कुछ लोग उल्टी सीधी क्रिया करवा देते हैं जिसके दौरान ज़्यादातर देखा जाता है तो अक्सर ऐसा ही होता है। तो सभी प्रकार की क्रिया जो भी नष्ट हो जाती है इस मंत्र के प्रभाव से। अगर आपने किसी को पैसे दिए वो पैसे ना दे रहा हो आपके वापस, तो इस मंत्र के प्रभाव से वो पैसा भी जो रुका वाला धन है वो अवश्य ही प्राप्त होता है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो अवश्य ही दूर होती है। हम आपको संपूर्ण इसका साधना विधान बता देते हैं। आपको किसी भी अमावस्या से प्रारंभ करना है, रात्रि में करना है, 9 बजे से बाद ही प्रारंभ कीजिए आप इस मंत्र का प्रयोग। और इसमें आपको पीला ऊनी आसन लगेगा, पीले कपड़े पहन के ही करना है। किसी भी प्रकार के जो पीले कपड़े होते हो पहन के कर सकते हो, अन्य कपड़े पहन के नहीं करना है। आपको इसमें मूंगे की माला लगेगी, आपको दुकानों में आसानी से प्राप्त हो जाएगी। पूजा की जो सामग्री मिलती है उस दुकानों पे आपको मूंगे की माला अवश्य प्राप्त हो जाएगी। मूंगे की ही माला लेना है, अन्य कोई माला नहीं लेना है। इसमें उत्तर दिशा के इधर ही मुँह करके आपको जप करना है। नहा धो के आपके पूजा स्थान पर आइए, एक पटा ले लीजिए, पटे के ऊपर पीला कपड़ा बिछा दीजिए,
और आपके पास पटा ना हो तो आपके पूजा स्थान पे पीला कपड़ा बिछाना है और एक पीतल की थाली लेना है। आपको थाली इतनी बड़ी लेना है कि आपके यहाँ जो भी महालक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति है उस थाली के अंदर वो फ़ोटो या मूर्ति आ जाना चाहिए। इतनी बड़ी थाली लेना है। आपके घरों में जो काजल होता है उस थाली को पूरा काला कर देना है, अंदर बाहर से संपूर्ण काला कर देना है उस थाली को। और उसके बाद वो पीले कपड़े के ऊपर आपको रख देना है। फिर आपको महालक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति उस थाली के अंदर आपको विराजमान कर देना है। और चार आटे के दीपक बनाना है। आप शुद्ध आटा होना चाहिए, अगर शुद्ध आटा नहीं है तो आप पिसवा के ला लीजिए। और गेहूँ के आटे के चार दीपक बना के आपको इतने बड़े बनाना है कि वो 3 घंटे करीब जल सके। इतने बड़े दीपक बना लीजिए चार। उसके अंदर घी डाल दीजिए और रुई की बत्ती बना के आपको रख देना है। और वो थाली के अंदर नहीं रखना, आपको थाली के बाहर रखना है। आपको महालक्ष्मी के पीछे भी नहीं रखना है, चारों दीपक सामने रखना है। महालक्ष्मी की फ़ोटो रखी है आपने थाली के अंदर, उसके बाजू में ही 2 दीपक रखना है। महालक्ष्मी के सामने से ही ऐसी थोड़ी दूरी से रखिए कि फ़ोटो को या मूर्ति के चिपक के नहीं रखना है, थोड़ी दूरी से रखना है थाली के बाहर। और 2 थाली के आगे रख दीजिए। ऐसे 4 दीपक महालक्ष्मी के सामने ही जलेंगे, पीछे नहीं रखना है आपको, कोई भी दीपक सामने ही रखना है। घी डाल के उसको रुई की बत्ती से आपको जला देना है। और गुलाब की सेंटेज वाली 2 बत्ती जलाना है आपको। और महालक्ष्मी को पीले मिठाई का भोग लगाना है। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है, आपका नाम गोत्र बोलते हुए संकल्प लेना है। प्लेट रख दीजिए सामने वही पटे पे, उस पर आपको पूजन करना है पंचोपचार श्री गणेश का। पंचोपचार पूजन कर लीजिए, आपके गुरु का पूजन कर लीजिए, अगर आपके गुरु नहीं है तो पंचोपचार भोलेनाथ शिव का पूजन कीजिए। फिर उसके बाद महालक्ष्मी का पंचोपचार पूजन करना है। गुलाब के फूल, कमल के फूल, फूल जो भी प्राप्त होते गुलाबी या लाल फूल, अवश्य ही समर्पित करना है महालक्ष्मी को। आह्वान करना है महालक्ष्मी का, आह्वान कीजिए, माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में स्थिर रूप से निवास करें। इस प्रकार प्रार्थना करना है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है चल रही है, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल पा रही है, या आपकी जॉब में तरक्की नहीं हो पा रही है, या धन से संबंधित जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में धन नहीं टिक पाता है, वो माता से प्रार्थना अवश्य ही करना है। संकल्प लेते समय आपको 51 माला का संकल्प लेना है। जब संकल्प लोगे तो आपको 51 माला जप करोगे, ऐसा संकल्प ले लेना है। जो हम मंत्र बता रहे हैं इसका जप करना है आपको। ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम ह्रीम ह्रीम फट, ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम ह्रीम ह्रीम फट, इस मंत्र का आपको 51 माला का जप करना है। आपको बीच में नहीं उठना है, जब तक आपकी 51 माला ना हो जाए बीच में नहीं उठना है। साधना के दौरान आपको कुछ अनुभूति होगी, जैसे घुंघरू की आवाज़ आएगी आपको, पायलों की छमछम की आवाज़ आती है आपको, तो आपको भयभीत नहीं होना है। आपको कोई परछाई दिखाई देती है या ऐसी महाशक्तियों की जो योगनिया शक्ति आती है साधना के दौरान, क्योंकि ये उग्र पूजा है, इसमें अवश्य चेतक दिखता है आपको साधना का, तो आपको भयभीत नहीं होना है। आपको पूर्ण 51 माला ही करना है। जब तक आपकी 51 माला ना हो जाए तब तक नहीं उठना है। और जो भी परछाई है, जो भी आवाज़ आए, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको आपकी साधना करना है। आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आगमन होने लगता है तो ऐसे संकेत आपको दिखाई देते हैं, तो आपको भयभीत नहीं होना है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए अगर ऐसा होता है आपके साथ अनुभव, तो कई लोगों के साथ अनुभव ऐसे देखे गए हैं और कई लोगों के साथ अनुभव नहीं हो पाते, लेकिन आप कंप्लीट कीजिए जो विधान है, आपको फल अवश्य मिलेगा और बहुत जल्दी फल की प्राप्ति होती है। और जब आपका मंत्र जप हो जाए तो आपको आसन को प्रणाम करके रख देना है। आपके जो भी कार्य करना है उसके बाद आपको कर सकते हो। उसके बाद वही पूजा स्थान पे आपको वही कमरे में सोना है जिस कमरे में आपने जप किया था। पूजा स्थान के थोड़े से दूर होके आप अपना बिस्तर लगा लीजिए और आप उसके बाद सो सकते हो उस जगह पर, उसी रात्रि में उसी जगह पे सोना है। उस समय में भी आपको कभी आवाज़ें सुनाई आए या कुछ दिखाई दे तो आपको सो जाना है, तो आपको डरना नहीं है, आपके लिए शुभ संकेत होते हैं। फिर आप प्रतिदिन इस मंत्र को 1 माला या 3 माला अगले दिन से सुबह या रात को अवश्य ही किया कीजिए इस मंत्र को। कभी भी फिर 3 माला जो करोगे या 1 माला प्रतिदिन, तो आपको ये विधान नहीं रखना है, जो भी विधान बताया उस प्रकार से नहीं रखना है। पीले आसन पे बैठ के आपको सिर्फ जप करना है। आप चाहो तो पीले कपड़े पहन के कर सकते हो, या अन्य दिन का जो जप रहता है आप कोई भी कपड़े पहन के कर सकते हो, लेकिन पीला आसन ले लेना है। और किसी भी मीठे पकवान का भोग लगा देना है, मिश्री का या शक्कर का
आप प्रतिदिन और ये माला निकालिए, आपके जीवन में अद्भुत रूप से आपको चमत्कार दिखने लग जाएंगे। आप करके देख सकते हो। इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए, बड़ा चमत्कारिक प्रयोग बताया हमने। और जो अनुभव होते हैं आपको इससे भयभीत नहीं होना है, और संपूर्ण जो विधान बताया वैसे ही करना है। इस मंत्र का संपूर्ण हमने आपको विधान बता दिया है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है मित्रों, हमारी जानकारी, तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसी रहस्यमयी जानकारी की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय महालक्ष्मी, जय भवानी।